हेलो दोस्तों, अभी अभी ये जानकारी मिली है कि अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे दी है। उन्होंने लिखा है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी फैमिली और स्टाफ मेंबर्स का भी टेस्ट हो गया है और अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी पिछले 10 दिन में उनके संपर्क में आए हों वो भी अपना टेस्ट करा लें। इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने भी ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पे दी है और उन्होंने लिखा है कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अभी अमिताभ बच्चन जी नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि उनके सिम्टम्स माइल्ड हैं, तभी उन्हें हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी यूनिट में रखा है, ना कि आईसीयू में। हम आशा करते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी और उनका परिवार जल्दी से ठीक हो जाए, पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस कारण से उन्हें कोरोना वायरस हुआ होगा। मुझे इसके दो कारण लगते हैं। पहला कारण, स्टाफ मेंबर्स। अमिताभ बच्चन जी के घर में कई सारे स्टाफ मेंबर्स हैं और उनका बाहर आना जाना लगा रहता होगा, तो अगर इनमें से कोई भी कोरोना के कांटेक्ट में आया होगा तो पॉसिबल है कि वो अपने साथ कोरोना घर पे लेकर के आ सकता है और उसकी वजह से पूरे परिवार में कोरोना वायरस फैल सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है अभिषेक बच्चन की अमेजॉन प्राइम की सीरीज जिसका कि नाम है ब्रीथ। हाल फिलहाल में अभिषेक बच्चन इस सीरीज़ की इंग्लिश डबिंग के लिए घर से बाहर जाया करते थे। डबिंग के दौरान खुद अभिषेक बच्चन और उनकी पूरी टीम सारे प्रिकॉशंस लेती थी और अभिषेक बच्चन हमेशा मास्क और ग्लव्स पहने दिखे हैं, पर फिर भी चांस है कि डबिंग के दौरान जब वो घर से बाहर निकले हैं तो वो कोरोना के संपर्क में आए हों, जिस वजह से उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये वायरस बच्चन परिवार के घर में पहुंच चुका है और खुद श्री अमिताभ बच्चन जी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और घर से बाहर तभी निकलें जब बिल्कुल ही ज़रूरी हो, और मैं आशा करता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इसके अलावा खुद को और अपने परिवार वालों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं।